हाँ जज्बात वाली भाई बोल। शिवानी हमने तुम्हारा केस सॉल्व कर लिया है, तुम्हारा असली गुनहगार अजय वर्मा ही है और उसके दोस्त संदीप का स्टेटमेंट हम ले चुके हैं। वो क्या है ना, पुलिस जब एक केस को बंद करती है ना, तब हम चिंगारी गैंग उसी केस को ओपन करते हैं। क्या क्या, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तेरे हिसाब से अजय वर्मा मर गया, लेकिन मेरे हिसाब से वो आज भी जिंदा है। सोच रही है ना? कोई बात नहीं, यही फर्क है तुझ में और मुझ में। तू सोचती रहे, मुझे इंसाफ चाहिए, रखती हूँ मैं। विक्रम वर्मा, सॉरी हसीना मलिक, तुझसे ये केस नहीं सॉल्व होगा। मतलब विक्रम वर्मा ही अजय वर्मा है? पुष्पा जी, जी मैडम। पुष्पा जी, अजय पर 5 साल पहले मोलेस्टेशन का केस लगाया गया था, हमें उसकी फाइल्स चाहिए, हमें धोखा दिया जा रहा है। शिवानी, तूने जो कहना था कह लिया, अब हमारी तरफ देख। नहीं ताई, मैं तेरी तरफ देखूंगी तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। हसीना मलिक तेरी एक गलती का इंतजार कर रही है और तू उसे ये मौका नहीं दे सकती। और उसके हिसाब से तो हम गलत ही गलत है ना, पहले के उखाड़ लिया उसने हमारा, जो अब उखाड़ पाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, शरीर से ज्यादा तुझे अपनी अकल की वर्जिश करनी चाहिए। अरे ये चिंगारी, ये लोग क्यों नहीं पकड़े गए आज तक? क्योंकि हम लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं और अपने जाति मामलों को अपनी सोच पे हावी नहीं होने देते। इसके सर पे तो खून सवार है, अगर वो इसके सामने आया ना तो ये उसे जिंदा काट देगी। तो उनकी आरती तो ना उतार सकते ना ताई? शिवानी, हमारी तरफ देख, तुम इन सब की ताकत है और जो चिंगारी सुलगती है वो आग तू है। शिवानी, तू जेल चली जाएगी ना तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा, फिर इन लोगों का क्या होगा? तू जज्बाती हो रही है शिवानी। ये चिंगारी गैंग क्यों बनी थी ताई? ताकि हम उन बेवस और लाचार औरतों को इंसाफ दिला सके। इस शिवानी में भी वो लाचार लड़की है ताई, जो हर रोज जलती है। वो इतनी बेवस शिवानी है कि उसके माँ बाप उससे बात नहीं करना चाहते, उसको समझना नहीं चाहते। हर रोज चीख चीख कर वो शिवानी से कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो फिर मैं दूंगी ना उसे इंसाफ ताई? शपथ ली थी मैंने ताई, और मैं उसे पूरा करके ही रहूंगी। तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया और मैं कोई नहीं लगती तेरी? ताई तू मेरी सब कुछ है, लेकिन अगर मैंने तुझे देखा तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। जाने दे मुझे ताई। जी जी, मैं तुझे अकेले ना जाने दूंगी। अगर तू मेरे साथ आएगी तो ताई का ध्यान कौन रखेगा? वो अकेली पड़ जाएगी। ताई कुछ कर, हम उसे ऐसे ही ना जाने दे सकते। सवाल जब बेटी की जान का होता है ना, तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए जान की बाजी लगा देती, लेकिन बेटी पे आंच नहीं आने देती। लोहा लोहे को काटता है और इसके लिए लोहा एक ही है। सब लिख दिया है, यहाँ पे दस्तखत करो, ये लो। ओके, साइन ऑटोग्राफ। थैंक यू माँ। अरे माँ के मैं मने शिवानी केस से जुड़ा हुआ एफआईआर था जहाँ पर तुम साइन किया है। कहाँ है एफआईआर का रजिस्टर? बिल्ली ने कहा था पुष्पा जी के पास होगा, बिल्लू का नाम हटाना होगा। कोई बात नहीं दोस्त, हम हटाएंगे। क्या कर रही हो बकरी की माँ? गुदगुदी हो रही ना हमें, हमने कहा ना हमसे गलती हो गई। बकरे की माँ पागल हो गई है क्या? ये क्या बड़बड़ा रही है? फाइल छोड़ो, फाइल। कहा ना हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पश्चाताप करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे तो हम बिल्लू के खिलाफ और एक एफआईआर लिख देंगे, मगर हमें बख्श दो। हाँ, बिल्लू को फंसाने का प्लान है, दोस्त को नहीं फंसाने देंगे। ये तुम
मच्छर मारते मच्छर क्या कर मच्छर अब तुमको दिखाते बेटा मच्छर कैसे मारते हैं अब देखना तुम्हारी हालत क्या करते हैं बचपन में ना बहुत कंची खेलते थे पक्के निशानची थे एकदम हाँ तुमको क्या लगा हमको कुछ समझ में नहीं आया कुछ पर टोपा है बिल्लू को बता देगा अब ये FIR रजिस्टर हम ऐसी जगह पे रखने वाले हैं ना कि वो जिंदगी भर ढूंढेगा ना तो भी नहीं मिलेगा उसको जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे हम छोड़ेंगे तब ना हाथ ये क्या था मैडम सर ओके एनीवेज अजय से रिलेटेड जो केस है वो हमने फाइल अच्छे से चेक कर ली है करिश्मा सिंह अजय वर्मा की फाइल में साफ साफ लिखा है कि 5 साल पहले मोलेस्टेशन का जो केस लगा था उसके लिए उसे बहुत लंबी सजा होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई इसका मतलब उसने सजा से बचने के लिए खुद को मार डाला खुद को नहीं खुद की आइडेंटिटी को मार डाला और एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की विक्रम वर्मा खुद का ही जुड़वा भाई इसीलिए उसका लाश कभी नहीं मिला लाश होगी तब मिलेगी ना करिश्मा सिंह वो बहुत स्मार्ट है और बहुत पैसे वाले हैं उन्होंने पूरे सिस्टम को खरीद लिया था लेकिन अब वो कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा एक काम कीजिए रंगरेज गली अपने खबरें भेजिए और पता लगाइए कि शिवानी क्या प्लान कर रही है जी जी हम जो टिफिन लाए थे उसमें जो मटन था उसका स्वाद हमें ठीक नहीं लगा इसलिए हम देख रहे थे कि हमसे कहां गलती हो गई आपने तो हमारा दांत ब्रश करके रख दिया करेगा तो बिट्टू मेमने का पाप खून का बदला खून और मटन का बदला मटन हमें माफ कर दो आईना से हम किसी भी कोई भी मेमने बिट्टू का मांस नहीं खाएंगे हमें माफ कर दो पुष्पा जी सब ठीक कुछ भी ठीक नहीं है ये देखिए ये बकरी बकरी यहाँ बकरी आई थी बकरी जैसी इच्छाधारी नागिन होती है ना जैसी इच्छाधारी बकरी है ये हमसे हमसे अपनी मेमने का बदला लेने आई हमें बहुत जल्दी है यहाँ बकरी आई थी 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 यहाँ बकरी वो तो गायब हो गई है पुष्पा जी लेकिन ये इच्छाधारी नागिन यहाँ काहे आ रही है हसीना मलिक से मिलना है उसका फोन नहीं लग रहा हसीना मलिक को हमारा पैगाम दे देना शिवानी की केस के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उसने अच्छा नहीं किया इससे शिवानी बेहाल हो गई है ये पैगाम है हमारी मैडम सर ना कच्चा खाना खाती है ना कच्चे पैगाम देती है रवर्दी वाली छोरी आज तो अजय वर्मा गया शिवानी जिज्जी उसे मार डालेगी घायल हो तुम लोग घायल इंसान के जख्मों को मसलते हो ताकि वो गलती कर सके यही करती है ना हसीना मलिक आज तक शिवानी या किसी चिंगारी ने कोई जुर्म नहीं किया जो किया दिमाग से किया लेकिन आज शिवानी को उकसा के उसे जुर्म करने पे मजबूर कर दिया है अरे हिम्मत होती तो सामने से मार करते ना जज्बात वाली बाई जज्बातों से काम नहीं लेती हसीना मलिक जज्बात से खेलती है आज शिवानी अजय को मार देगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हसीना मलिक होगी हो सकता है शिवानी फंस जाए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े उसे लेकिन चिंगारी खत्म नहीं होगी वो मुजरिमों के आशियानों पे बारूद बन के बरसेगी पैगाम पूरा समझ में आया तो बता देना हसीना मलिक को ये शिवानी अजय को मारने गई है मारने जरूर गई है पुष्पा जी लेकिन ये हम होने नहीं देंगे अरे ये क्या खिचड़ी बन रही है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कभी आप कह रही हैं उसके खिलाफ क्राइम ढूंढो कभी कह रही हैं हम क्राइम करने नहीं देंगे हो क्या रहा है ये अजय
एक दिन गलती से हमने मैम ने बिट्टू का मांस क्या खाया, सब गजब हो रहा है हमारे साथ। हम इस चिंगारी को और इनके लोगों को महान बिल्कुल नहीं बनने देंगे। अगर इस शिवानी ने अजय को मार दिया तो इसका पूरा इल्जाम आएगा हमारी मैडम सर पर। मैडम सर हमें माने या ना माने, लेकिन हम उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो क्या करेंगे आप मारपीट तो कर नहीं सकती और अपना भौकाल अंदर खूंटी पे टांग के रखा है आपने। हम अपना भौकाल से केस सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अपने भौकाल से किसी को मरने से तो बचा सकते हैं ना। आइसबॉक्स ले आया यार। यार हम मैडम सर की इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। तुमसे कोई दोस्ताना नहीं है, पर ये गलती हम तुमसे कभी नहीं होने देंगे, ये समझे तुम? तुम्हारी मुझसे दोस्ती नहीं और मेरी भी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है करिश्मा सिंह। जिसे मरना है उसे मरने दे। नहीं शिवानी, हम किसी को नहीं मरने देंगे। अच्छा, मेरे रास्ते से? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सिर्फ हथकड़ी पहना है, कोई और दिन होता ना तो मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं रहने देते। लेकिन आज तुमको सब माफ है, कहे कि मामला जो है वो पर्सनल है। पर्सनल मामला यहाँ पर भी है करिश्मा सिंह, तू मुझे रोक नहीं पाएगी।
चीते क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुमने जिस तरीके से संदीप को मारा, ऐसे तो पहले कभी मारपीट नहीं की तुमने, क्या हुआ? मुजरिम के मुंह से ना सच निकलवाना कहते हैं उसको पुष्पा जी, मारपीट नहीं। देख रहे हम तुम्हारी सोच, तुम्हारा सुर सब बदल रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है पुष्पा जी, और ये बात तो गीता में भी लिखा हुआ है। अच्छा, जय मैडम सर। जय हिंद। गीता में एक और बात लिखी है ना चीते की, कर्म कर और फल की चिंता मत कर, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म नहीं था, तुम तो फल की चिंता कर रहे थे। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, ये क्या हो गया, ये चोट कैसे लगी आपको? ये वो बाइक से गिर गए थे हम। ये बाइक से गिरने की चोट तो नहीं लग रही, आपने फिर से मारपीट की। एक काम करते हैं मैडम सर, फिर से आपको बाइक से गिर के दिखाते हैं, फिर शायद आपको विश्वास होगा कि हम बाइक से ही गिरे हैं। देखिए फिलहाल हमारे पास और भी जरूरी काम है, डीएसपी सर ने हमें बुलाया है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। मैडम सर को सब कुछ सच सच बताया क्यों नहीं? देखिए हमें अपना फर्ज निभाना था, हमने निभा दिया है, मैडम सर पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। अगर शिवानी ने आपको मारा है तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं ना? उनको ऐसे नहीं हारना है। आप भूल गई क्या वो सायरा बेगम का बोली थी वो, कि किसी के भी जज्बातों के साथ खेलना अच्छा बात नहीं है, किसी के दुखती रख पर हाथ रख के जीतना भी कोई जीतना नहीं होता है। शिवानी घायल है लेकिन शेरनी है, जब भी उठेगी दहाड़ेगी, और जब पुलिस ने धारणा बंद कर दिया तो कोई ना कोई तो चाहिए ना धारने के लिए, धाड़ेगी वो। चले जी आइए। अरे कोई तो मुझे बताओ क्या कांड कर आई है शिवानी रात को, अजय को उड़ा दिया क्या? ऐसा लगता है सर में ना डायनामाइट लगा हुआ है, अब फटा जब फटा दर्द के मारे। सरफा सरफा, शिवानी तो अभी तक दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ? और बिन्नी का क्या हुआ? उसे मैंने भेजा था महिला पुलिस थाने खबर लाने के लिए, आई कि नहीं? ना आई। आप देखिए शिवानी तो आ गई। शिवानी ये चोट कैसे लगी तुझे, क्या कांड किया तूने रात को? अरे बताना, सुबह से 3 गोली खा चुकी हूँ सर दर्द की। अरे तू क्यों इतना टेंशन लेती है ताई? पराई नहीं हूँ बेटा, अजय मिला था तुझे? क्या करिश्मा सिंह को मारा तूने, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को? अरे उसने एफआईआर कर दी तो? अरे तो क्या करती मैं, चट्टान की तरह खड़ी हो गई है मेरे और अजय के बीच में। अरे उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया तो? सबसे पहले कोई ताई को ठंडी लस्सी पिलाओ, क्योंकि जिज्जी के खिलाफ कोई एफआईआर ना हुई है। क्या करिश्मा सिंह ने कोई एफआईआर नहीं की, तेरे को पक्का मालूम है ना? हाँ जिज्जी, उसने सबको यही बोला है कि वो मोटरसाइकिल से गिर गई थी इसीलिए उसे लग गई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हसीना मलिक, करिश्मा सिंह तेरा गुरू, तेरी ताकत है ना, तू अब देखेगी कैसे मैं तेरी एक एक साथी को तेरे से अलग करती हूँ, और शुरुआत होगी करिश्मा सिंह से।